भाइयों बहनों, आयुर्वेद को हमारे ऋषियों ने जीवन का एक आहार के रूप में भी हम इसे उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से हम विभिन्न रोगों में अलग अलग प्रकार के आहार से रोग की निवृत्ति की बात करते हैं, वात पित्त और कफ के लिए। इसी प्रकार से हमारे ऋषियों ने अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों के संयुक्त मिश्रण को चूर्ण और वटिकाओं के रूप में, जिसमें आज हम सोच सकते हैं कफ रोगों के निवारण के लिए, निमोनिया को ठीक करने के लिए, सर्दी खांसी और बुखार को ठीक करने के लिए, गले की खराश को ठीक करने के लिए, मुंह के छाले और गले के सूजन को ठीक करने के लिए, अति प्यास लगती हो और कहीं श्वास नली में सोते समय बेचैन होकर के व्यक्ति को कफ के लिए, खांसी के लिए उठना पड़ सकता हो, ऐसी स्थिति को ठीक करने के लिए दिव्य दो प्रकार की वटिकाओं का हम लोगों ने माँ भगवती योग निसर्ग उपचार प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र गायत्री धाम में शिविर के समय जो अलग अलग रुग्णों पर अनुभव में लिया और उसके परिणाम बहुत ही आशाजनक और सुंदर मिले हैं। आइए देखते हैं एलादीवटी। ये एलादीवटी को शास्त्रोक्त औषधि के रूप में लिया गया है और ये बहुत ही उच्च स्तरीय औषधि है। एलादीवटी जैसे हम सेवन करते हैं, यह हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों को ठीक करने के लिए बहुत ही कारगर औषधि के रूप में काम करते हैं। एलादीवटी के हम लोग क्या करते हैं, इसके जो निर्माण के घटक द्रव्य और औषधि को मिलाने के तरीके ऋषियों ने लिखे हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में हम लोग एलादीवटी कफ, खांसी, दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस के लिए और जिनको प्रारंभिक स्टेज का निमोनिया होता है, इसको हम लोग चूसने के लिए देते हैं। सोते समय, दोनों समय भोजन के बाद अनिवार्य रूप से, और कोष्ण जल गर्म पानी से भी इसे ले सकते हैं। ये एलादीवटी के मुख्य जो घटक होते हैं, इसमें सर्वप्रथम तो हमारा एलादीवटी का जो घटक होता है मनुक्का और खारक होता है। अब मनुक्का खारक मतलब पिंड खजूर, तो ये हमारे शरीर में जा करके कफ का निस्तार करता है। इसके निर्माण में दालचीनी, मुलहटी को, तेजपान और दालचीनी को लिया गया है। तो दालचीनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है, तेजपान लीवर और तिल्ली और कफ रोगों को और शुगर को भी कंट्रोल करता है। और तेजपान, दालचीनी जैसे मिलता है छुआरा और मनुक्का के साथ में, इनको घोट करके फिर इस वटिका निर्माण करते हैं। इसको दिन में 3 समय एक एक गोली चूसना चाहिए और हर किसी को दे सकते हैं हर उम्र में। दूसरी एक दिव्य औषधि है जिसका नाम है लवंगा आदिवटी। ये लवंगा आदिवटी को हम लोग क्या करते हैं, मुंह में छाले हो जाए, पायरिया हो जाए, गले में खराश आए, श्वास नली, आहार नली और कफ नली में सूजन आ जाए, उसे उतारने में बहुत कारगर काम आती है। कई लोगों को बार बार कफ के कारण मुंह में चिकटा चिकटा लार आता था, उन लोगों को हमने जब दिया इसका बहुत ही अच्छा परिणाम आया। लवंग आदिवटी में मुख्य रूप से लौंग है, बहड़ा है, पीपल है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें कोई भस्म नहीं है। इसको घोटते समय कत्था मुलहटी के अंदर इसको घोटा जाता है और लवंग आदि वटी को भी छोटे बच्चों को पाव गोली चूसा सकते हैं, बड़ों को एक गोली चूसने के लिए दे सकते हैं। और ये मुंह के छालों के लिए और कफ खांसी के लिए लवंग आदि वटी, क्योंकि इस समय जो कोरोना वायरस जो चल रहा है उसके चलते हुए हमें सावधानी पर ज्यादा ध्यान देना है। हम ये नहीं कहेंगे कि कोरोना वायरस का ये कोई इलाज है, लेकिन हम अपने शरीर में जो अब तक परंपरागत तरीके से जो कफ, खांसी, सर्दी, जुखाम, बुखार होता था, उन लोगों को
प्रथम स्टेज में या ये स्टेज पर हम आए नहीं, इसके लिए सावधानी रखने के लिए अपने शरीर की कफ संस्थान की श्वसन मार्ग की जीवनी शक्ति बढ़ाने के लिए भी हम इलायची वटी लवंग आदि वटी का सेवन घर में सभी उम्र के भाई बहन कर सकते हैं। ये निरापद औषधियां हैं। भाई बहनों, इसके लिए कुछ अद्भुत हम आपको क्रिया सिखाते हैं। इस क्रिया के माध्यम से भी आप अपने श्वसन तंत्र को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि प्राण तत्व को जितना हम सक्रिय करेंगे उतना हम रोगों से लड़ने की ताकत अंतर स्त्रावित ग्रंथियों के द्वारा हम अपने प्राणमय कोष से प्राप्त कर सकते हैं। आइए आज देखते हैं आज की अद्भुत क्रिया। इसे हमारे ऋषियों ने सोहम साधना के नाम से भी जाना है। ये अजपा जप गायत्री भी है और इसको जैसा भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं उसी तरीके से करते हैं। श्वास लेने और छोड़ने के तीन रिदम होंगे। देखो, दोनों हाथों की स्थिति ऐसे कर लीजिए और धीरे धीरे यहाँ पर गए, सांस ले लिया है, धीरे धीरे यहाँ पर आए हैं, सांस को खाली कर दिया है। इसका सांस लेने और छोड़ने का क्रम ऐसा रहेगा। हल्का सा सांस लिया, रोका और ऊपर रुके हैं, सांस को धीरे धीरे छोड़ा है, हल्का सा रुके हैं और फिर लेने की क्रिया करी है। देखते हैं तीनों क्रम, पहले शांत गति फिर मध्यम गति। इसे सोहम साधना, अजपा जप गायत्री और भस्त्रिका प्राणायाम का ही एक स्वरूप है। आपको एक मिनट के लिए सूर्य मुद्रा में रुकना है। अनामिका उंगली पृथ्वी तत्व, अंगूठा सूर्य तत्व, दोनों को मिला दीजिए। शेष उंगलियों को सीधा रखेंगे, हाथ घुटनों पर, कमर पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद। सोहम साधना की जो तरंगे हैं उसे मिनट दो मिनट के लिए महसूस करते रहें और इसके अग्रभाग को दबा के रखें। सूर्य मुद्रा कफ का शमन करती है। सूर्य मुद्रा लगते ही चेतना रोम रोम में चैतन्य सक्रिय होती है। बहुत ही उच्च स्तरीय मुद्रा है सूर्य मुद्रा। सोहम साधना की ध्यान की स्थिति, आती जाती सांस पर ध्यान केंद्रित। अखिल विश्व गायत्री परिवार का हमारा स्वास्थ्य आंदोलन विश्वव्यापी संकटों के निवारण के लिए परम पूज्य गुरुदेव परमंदनीय माता जी युग तीर्थ शांति कुंज गायत्री धाम के दिव्य शक्तियों का आपके साथ दिव्य आशीष जुड़े, ऐसे हम मंगल कामना करते हैं। ओम शांति शांति।